जी आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस के विषय में जानकारी दीजिए। नमस्ते, मैं रोशन लामा जयगांव से और जयगांव बॉक्सिंग एकेडमी का कोच। फर्स्ट आप लोग जो मीडिया आए हैं, जयगांव मिरर और जयगांव डेली, आप लोगों को दिल से धन्यवाद। हम लोग यहाँ पे आज को मीडिया कॉन्फ्रेंस करने का रीज़न ये है कि बच्चे लोग आपका आज मतलब निकल रहे अलीपुर द्वार, उलाका ट्रेन है तो इलाका गेम हो रहा है आपका गुवाहाटी आसाम में। तो इलाका जो गेम हो रहा है टैलेंट हंट गेम हो रहा है और ये गेम ये सीनियर और यूथ का गेम हो रहा है। तो इसमें मेरा 3 बच्चे लोग गेम में जा रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, जैसे कि विवेक राय हो गया और प्रेम छेत्री और एक राज राय है, और ये एज अ कोच जा रहे हैं इस बार, क्योंकि मैं इस बार में लोग के साथ जा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि हाँ इस बार मैं एक्चुअल में जाने नहीं जा रहा हूँ। किस गेम के लिए जा रहे हैं ये लोग? जा रहे हैं आपका टैलेंट हंट, टैलेंट हंट के लिए जा रहे हैं, बॉक्सिंग बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए जा रहे लोग। तो इसमें जो है ये आपका ऑर्गेनाइज किया गया है BFI से, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से ऑर्गेनाइज किया गया है, और ये लोग का फर्स्ट इसका फर्स्ट मैच है। बच्चे लोग फर्स्ट टाइम अकेला विदाउट कोच जा रहे हैं, बट ये है गाइड करने वाला, तो इन लोग को बहुत सारा एक्सपीरियंस भी मिलेगा। एक्सपीरियंस मिलेगा इन लोग को फ्यूचर में जाके अकेला इन द फील्ड जाके क्या करना होगा, वो चीज़ लोगों को सीखने को बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगा ये चीज़। तो ये हो गया, और मैं नहीं जा रहा हूँ बिकॉज मुझे वेस्ट बंगाल प्रोग्रेसिव बॉक्सिंग एसोसिएशन जो ये है आपका ये हम लोग का स्टेट का जो स्टेट है वहाँ से हम लोग का श्री अजय कुमार बैनर्जी और हम लोग का अलीपुर द्वार डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हम लोग का कुणाल शाह सर, उन दोनों ने मुझे मतलब मुझे वो काबिल सोचा कि मुझे इस बार चांस दिया जाए कि जो अभी नोएडा पे 19-25 मार्च आपका नोएडा पे एक गेम होने जाने वाला है नेशनल चैम्पियनशिप। ये पहले हुआ था कोलकाता पुलिस लाइन पे, हुआ था हावड़ा पे, ये स्टेट सेलेक्शन हुआ था नेशनल के लिए। तो जो बच्चे लोग वहाँ पे सेलेक्ट हुआ है और वो बच्चे लोग अभी नेशनल के लिए जा रहे, तो वो बच्चे लोग का हेड कोच मुझे इस बार वेस्ट बंगाल से मुझे हेड कोच बना के यहाँ से भेज रहे, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम लोग का एक छोटा सा जगह से हम लोग का स्टेट से इस टाइप का अपॉर्चुनिटी देना ये बहुत मेरे लिए भाग्यशाली मानता हूँ मैं उसके लिए। तो टोटल कितने जन बच्चे जा रहे हैं? यहाँ से मेरा 3 बच्चे लोग जा रहे हैं और एक कोच जा रहे हैं यहाँ से। और क्या कहना चाहेंगे, बॉक्सिंग में यहाँ से बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, सपोर्ट कैसा मिल रहा है? हाँ, ये जैसे कि बॉक्सिंग को लेके मैं बहुत सालों से ये चीज़ को कर रहा हूँ यहाँ पे। मेन चीज़ हम लोग का यहाँ पे बच्चे लोग हार्डवर्किंग बच्चे लोग हैं, यहाँ पे बहुत सारे हार्डवर्किंग बच्चे लोग हैं, उन लोगों के लिए एक अच्छी सी एक खेलने के लिए, एक प्रैक्टिस करने के लिए हो, एक खेल कूद करने के लिए हो, एक अच्छी सी जगह नहीं है यहाँ पे। हम लोग कभी टी गार्डन पे ट्रेनिंग कराते हैं, कभी रास्ता पे कराते हैं, क्योंकि हम लोग के लिए वो प्रोवाइड अभी तक हुआ नहीं है। तो आशा रखता हूँ कि हम लोग को जो भी यहाँ पे जितने भी मेंबर्स है, जो भी हम लोग का यहाँ पे अनुभव जितने भी हम लोग का नेतागण है, वो लोग से एक रिक्वेस्ट है कि हम लोग के बारे में कुछ आप लोग सोचें कि हम लोग के बच्चे लोग के लिए यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स के लिए कुछ अच्छा हो। तो ये हम बोलना चाहते हैं कि हम लोग का आने वाला जेनरेशन जो है ये लोग ही है, आने का फ्यूचर ये लोग हैं, तो ये लोग को अभी हम लोग अभी से गाइड करेंगे तो आने का डे में हम लोग का जगह अच्छा से बन पाएगा, अच्छा हो पाएगा हम लोग का बच्चे। देखा जाता है जैसे आज के टाइम में युवा बच्चे लोग जो होते हैं जो स्पोर्ट में जुड़ा जाता है, कितने युवा बच्चे लोग कोई गलत लाइन में भी चले जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहिए? उन लोगों के लिए यही बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे देखे अभी सुधारा तो सबको जा नहीं सकता है, तो जो बचा खुचा है उन लोग को हम लोग सुधारे, ठीक है, और जो अभी गलत लाइन पे हैं उन लोगों को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग का भविष्य आप लोग का हाथ में है, तो आप लोग का भविष्य ना बिगाड़े, अच्छी लाइन पे आए, अच्छा से हेल्दी रहे, फिजिकली फिट रहे, एक्सरसाइज करे, स्पोर्ट्स में आके जो आप लोग ज्वाइन हो मतलब होने से आप लोग के लिए अच्छा है। जी, आपका नाम और परिचय? मेरा नाम रोशन लामा, जयगांव बॉक्सिंग एकेडमी का मैं कोच हूँ।